सरकार बिजली बचाने के साथ साथ इसकी चोरी रोकने के लिए भी कोशिश कर रही है। किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली और सब्सिडी के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। देखिए रिपोर्ट। किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली के बेजा इस्तेमाल पर रोक लग सकती है। सरकार किसानों को मुफ्त बिजली और सब्सिडी को और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा तरीके में बदलाव करेगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों के बिजली के औसत अधिकतम इस्तेमाल को फिक्स करने पर विचार किया जा रहा है। फिक्स्ड यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने पर प्रति यूनिट चार्ज देना होगा। हालांकि वो दरें भी सब्सिडाइज्ड होंगी। इसके लिए स्मार्ट पंप के जरिए मीटर रीडिंग की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुफ्त और सब्सिडाइज्ड यूनिट फिक्स करने से बिना जरूरत के भी रात भर पंप चालू रखने की आदत पर लगाम लगेगी। ऐसे में लोग जरूरत के मुताबिक ही पंप का इस्तेमाल करेंगे। सरकार अलग अलग राज्यों में किसानों को पावर सप्लाई का अलग अलग मैकेनिज्म तैयार करने पर भी विचार कर रही है। कुछ राज्य प्रति महीने फिक्स्ड प्रति हॉर्स पावर के आधार पर चार्ज करते हैं। इससे उन किसानों को तो फायदा होता है जिनका ज्यादा इस्तेमाल है, पर छोटे किसानों को कम इस्तेमाल का फायदा नहीं होता। आमतौर पर मासिक बिल 1500 रुपए का होता है। इस कोशिश से टीएनडी लॉसेस कम करने और अवैध कनेक्शन रोकने में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार नए प्रस्तावों को लेकर राज्यों और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्रेजेंटेशन भी दे रही है। राज्यों को यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि स्मार्ट पंप किसानों को मुफ्त दिया जाए ताकि पुराने पंप का इस्तेमाल ना हो। स्मार्ट पंप एनर्जी एफिशिएंट है जिससे बिजली बचाने में मदद मिलेगी। रिसर्च के मुताबिक पुराने पंप के मुकाबले नए पंप 40% कम बिजली खपत करते हैं और इसमें ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, केबल्स और दूसरी फिटिंग्स लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। 5 हॉर्स पावर पंप की मौजूदा कीमत 4,00,000 रुपए है। अगर गैर जरूरी खर्चों और कम बिजली खपत को हटा दिया जाए तो 6 साल में पंप की कीमत वसूल हो जाएगी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।